नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं आपके साथ राष्ट्रवादी रोहित। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक खबर ने सिर्फ मेरा ही नहीं इस देश के हर सनातनी का खून खौला दिया। खून इसलिए खौल रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में सहिष्णुता, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का भारी भरकम बोझ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के सिर पर ही लाद दिया गया है। हिंदू दूसरे मजहबों के बारे में अगर जुबा भी खोले तो उसे फासीवादी, नाजीवादी, फिरका परस्त, असहिष्णु और न जाने किन किन तमगे से नवाजा जाता है। लेकिन दूसरी ओर हिंदुओं को जी भर के गाली दीजिए गाली, उनके देवी देवताओं का अपमान कीजिए, मजाक उड़ाइए, सनातनी संस्कृति पर सवाल करिए, ये सब अभिव्यक्ति की आजादी के खाते में डाल दिया जाता है। इसलिए आज आपके राष्ट्रवादी रोहित का खून खौल रहा है। हर सनातनी गुस्से में, ये गुस्सा क्यों, इसकी पटकथा लिखी गई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमयू के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में कार्यरत एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने बलात्कार पर ज्ञान देते हुए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवताओं के राजा इंद्र को बलात्कारी बता दिया। सोचिए एमयू के इस प्रोफेसर के दिमाग में सनातन धर्म के खिलाफ कितना जहर भरा हो, कितना जहर। और कमाल देखिए कि जब बलात्कार पर इसके ज्ञान को लेकर जी हिंदुस्तान और सनातनी समाज ने आवाज उठाई तो एएमयू प्रशासन और आरोपी प्रोफेसर ने माफी मांगकर पल्ला झाड़ दिया। लीजिए, काम हो ही गया, माफी मांगा, काम हो गया। मैं राष्ट्रवादी रोहित आपसे पूछना चाहता हूं, किसी दूसरे धर्म के देवता को इस तरह बलात्कारी बताता तो उसे आराम से माफी मांगकर किनारे होने दे दिया जाता क्या? अरे तब तो अगरबत्तियां छाती पीटी जाती, छाती हाय तौबा मचाता और हिंदुस्तान को तालिबान बताया जाता। लेकिन जब तीनों लोकों के स्वामी, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा को बलात्कारी बताया गया तो आजादी गैंग पर्दे के पीछे चली गई, छिप गई जाके। मोमबत्ती वाले मसीहा मौन हो गए, खामोश, क्योंकि सहनी की सीमा और सहिष्णुता का संदर्भ तो सिर्फ सनातियों, जो सनातनी है उनको ही सिखाया जाता है। सर्वधर्म संभाव की शिक्षा तो सिर्फ सनातनियों को ही दी जाती है। इसलिए आज मैं राष्ट्रवादी रोहित यह प्रतिज्ञा करता हूं, हम हर उस चेहरे से नकाब उतारेंगे जिसका मकसद आजादी के नाम पर हिंदू आस्था पर आघात करना है। मैं राष्ट्रवादी रोहित ताल ठोक कर कहता हूं, मार्क्स और माओ की डफली उठाकर अभिव्यक्ति की आजादी का तराना गाने वाले जरा गौर से सुन लें, यह नया हिंदुस्तान है, राष्ट्रभक्तों का हिंदुस्तान है। यहां तुम्हारे नफरती मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हर देशभक्त को, पूरे सनातनी समाज को मैं राष्ट्रवादी रोहित ये भरोसा दिलाता हूं, यकीन रखिएगा आवाज बुलंद करता रहूंगा। प्रेजेंटेशन में भगवान विष्णु को लेकर, भगवान ब्रह्म को लेकर और कई हमारे देवी देवता उनको लेकर ऐसी घिनौनी अमर्यादित टिप्पणी की गई है जो शायद में चर्चा योग्य भी नहीं है। केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस जीतेंद्र कुमार ने ऐसा वक्तव्य दिया है। कार्रवाई तो शुरू कर दी है, शो कॉज नोटिस दे दिया है, कमेटी गठित कर दी है। सनातनी सहिष्णुता की कितनी अग्नि परीक्षा, एएमयू में देवी देवताओं के अपमान की जहरीली शिक्षा। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी,
से कि आपका बुलडोजर हर जगह चलता है, आखिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? सनातन धर्म का संत समाज आग बबूला है, हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू खून का घूंट पी रहे हैं। बात ही ऐसी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक शैतान प्रोफेसर ने बलात्कार को लेकर ऐसा जहरीला ज्ञान बांटा है कि जिसने भी सुना उसका खून खौलने लगा। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के इस लंपट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार के दिमाग में शैतानी सोच इस कदर हावी है कि रेप का चैप्टर पढ़ाते हुए इसका जिन्नावादी कैरेक्टर जाग गया। जितेंद्र कुमार मेडिकल के अपने मासूम छात्र छात्राओं को बलात्कार के उदाहरण गिना रहा था, और जरा देखिए कि इस नीच गलीज प्रोफेसर ने बलात्कार की क्या मिसालें अपने छात्र छात्राओं को दी। सृष्टि के सर्जक माने जाने वाले ब्रह्मा ने अपनी बेटी का रेप किया, भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी के साथ बलात्कार किया, देवताओं के राजा इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ धोखे से बलात्कार किया। कई जन्मों के इस नीच प्रोफेसर के दिमाग में हिंदू धर्म और हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं को लेकर कितना जहर भरा हुआ है आपने देख लिया, लेकिन जरा देखिए कि जो प्रोफेसर अपने छात्र छात्राओं को चटखारे लेकर बलात्कार की नाजायज शिक्षा दे रहा है, जी मीडिया ने जब उसके गिरेबान को पकड़ा तो कैसे अंग्रेजियत पर उतर गया। नहीं, आप प्लीज रिकॉर्ड ना करें, हमने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई दे दिया ना, एक अनकंडीशनल एपोलॉजी हमने दी। माओ और मार्क्स के लंपट लाल लंगोटधारी हिंदुस्तानी चेलों का ये आजमाया हुआ नुस्खा है, दूसरे मजहबों के बारे में ये चू तक नहीं कसते, लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता की बेहिसाब परीक्षा लेते रहते हैं, और जब गर्दन फंसती है तो माफी को ढाल बना लेते हैं। प्लीज रिकॉर्ड ना करें, हमने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई दे दिया। लेकिन यूपी में अभी भगवा बाबा का राज कायम है, इसलिए अपने प्रोफेसर की इस घिनौनी करतूत से एएमयू प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, और एएमयू प्रशासन ने फौरन से पेश सर इस नीच प्रोफेसर को सस्पेंड करने में ही भलाई समझी। आज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट और सीरियसनेस ऑफ द मैटर को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन जे एन मेडिकल कॉलेज को, ही हैज बीन प्लेस अंडर सस्पेंशन टिल पेंडिंग इंक्वायरी। 7 दिन को शो कॉज नोटिस दिया गया है और फर्दर एक्शन डिपेंड करेगा उनके रिप्लाई पे। सस्पेंशन और शोकॉज नोटिस एएमयू के इस जहरीले प्रोफेसर का मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता, इसके खिलाफ तो 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावना पर खतरनाक चोट करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इसे अपनी करतूतों की सजा मिल सके। सनातन संत समाज ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का बीड़ा उठा लिया है। संत समाज का कहना है कि अब बहुत हो चुका, सहने की भी एक हद होती है। और बार बार उस सनातन धर्म और देश के खिलाफ वहां से आवाजें उठती रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं योगी जी से कि असली बुलडोजर यहां चलाने की आवश्यकता है। दरअसल हिंदुस्तान में सनातनियों और उनके देवी देवताओं के अपमान का वामपंथी फैशन काफी पुराना है। मार्क्स और माओ के खाटी चेले जानते हैं कि सनातनियों की सहिष्णुता का कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनके मन में जब भी कोई गंदा कीड़ा कुलबुलाता है वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल प्रलाप शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इनके दिमागी कीड़े को मारने का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एक प्रोफेसर को रेप का चैप्टर कहां से मिल गया, और फर्ज कीजिए कि रेप के बारे में पढ़ाना ही था तो इस नीच प्रोफेसर को ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ही मिले थे। एग्जाम्पल के लिए मतलब सोचिए, उदाहरण के तौर पे किनका नाम ये रख रहा है। दरअसल मुझे लगता है कि इसने किसी और चैप्टर में रेप का मसाला तलाशा होगा और फिर अपने दिमागी जहर की चाशनी में लपेट कर इसे छात्रों के सामने परोस दिया होगा। मैं राष्ट्रवादी रोहित आपको बता दूं कि सनातन धर्म के खिलाफ जहरीली सोच का अच्छा खासा गिरोह इस देश में फल फूल रहा है। इन्हें पता है कि हिंदू देवी देवताओं का कितना भी अपमान करो, ये बेचारे कुछ नहीं बोलने वाले, खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे। लेकिन मैं राष्ट्रवादी रोहित अब इस जहरीली सोच को कुचलने का बीड़ा उठा चुका हूं। सबसे पहले तो मैं जहरीले प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को यह बताना चाहता हूं
कि हिंदू धर्म का अनंत अज्ञेय दर्शन तुम्हारे तंग दिलो दिमाग में समा नहीं सकता है, इसलिए तुम अपने दिमाग पर हिंदू धर्म और दर्शन को लेकर ज्यादा जोर मत डालो। यह तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी गंदी मानसिकता का इलाज जरूर किया जाएगा, ताकि आगे से कोई इस तरह की गुस्ताखी करने की जरूरत ना कर सके। देवी देवताओं का अपमान, सनातन के शैतानों का मिटाओ निशान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एक तथा कथित प्रोफेसर हैं, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित टिप्पणी करी है। जब मैंने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी एक तरीके से, और मैंने मांग करी है कि उन पर चिन्हित करके उचित से उचित कार्रवाई करी जाए। एमयू फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के लंपट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने यूं ही बेखुदी में सृष्टि के सर्जक भगवान ब्रह्मा और सृष्टि के पालक भगवान विष्णु को बलात्कारी नहीं बता दिया। सनातन विरोधी ये शैतान इसकी बाकायदा तैयारी करके घर से आया था। इसने क्लासरूम में मौजूद बड़े प्रोजेक्टर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अपने छात्र छात्राओं को सनातन विरोधी जहरीली घुट्टी पिलाई। इसका मतलब ये है कि हिंदुओं के अपमान का ये मौका तलाश रहा था। मुमकिन है इसने पहले भी ये जहरीली घुट्टी अपने छात्रों को पिलाई हो, लेकिन इस बार ये इसलिए फंस गया क्योंकि एक सनातनी छात्र ने अपने प्रोफेसर की करतूत को वायरल कर दिया। जब सनातन विरोधी ये शैतान बेनकाब हुआ तो इसने प्रशासन से लिखित माफी मांग ली। अपने माफीनामे में इस शैतान ने लिखा है, मेरे पढ़ाने का मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि बलात्कार सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। साफ है कि इस प्रोफेसर के सफाई नामे में भी इसकी बलात्कारी सोच साफ तौर पर उजागर हो रही है। काबिले गौर तो ये है कि इस प्रोफेसर का विरोध अब मुस्लिम समाज भी कर रहा है। दरअसल इस प्रोफेसर को ये लगा होगा कि एमयू में सनातनियों का अपमान करेंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र पढ़ेंगे तो देश में जाके क्या करेंगे, क्योंकि एक दूसरे केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस जितेंद्र कुमार ने ऐसा वक्तव्य दिया है कि हिंदुओं के देवी देवता सब बलात्कारी थे। बलात्कार की सनातन विरोधी शिक्षा के पीछे इसकी सोच चाहे जो रही हो, पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298 और 505 के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा फॉरेंसिक साइंस की क्लास लेते समय के द्वारा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस तरह की कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे धार्मिक भावना आहत होने के संदर्भ में एएमयू की तरफ से उन्हें 100 का नोटिस जारी किया गया है। उधर एमयू प्रशासन ने भी शैतानी सोच वाले इस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल मामला सामने आने के बाद एमयू प्रशासन ने जितेंद्र कुमार को शो कॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब तलब कर लिया, और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर इसे सस्पेंड कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर खुद इस मामले को लेकर बेहद संजीदा हैं और अपनी देखरेख में जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि प्रोफेसर जितेंद्र कुमार के दिमाग में सनातन धर्म के खिलाफ भरा जहर इस बार बैकफायर कर गया है। अब उसे इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि यह हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है कि आप महिषासुर दिवस मनाकर देवी दुर्गा का अपमान कर लो और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तो ऐसे अपराधों के मुकम्मल इलाज की परंपरा शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल हैरानी होती है ऐसी सोच पर, ताज्जुब होता है। माफीनामा मांग लिया और हम खामोश हो गए, लेकिन ये जो बीज दिमाग में इनके लगातार फलता फूलता रहा है ना सनातन के खिलाफ जहर उगलने का, अब ये नहीं चलने वाला। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार इस प्रोफेसर की इस खाली करतूत पर जो माफीनामा आया है उस पर जिस तरह से अब परत और पर्दा चढ़ाने की कोशिश है उसकी पड़ताल और भी होगी, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में अजान पर लाउड स्पीकर को लेकर जो घमासान मचा है उस पर भी बारीकी से विश्लेषण होगा, और यह भी खबर बताऊंगा कि अब भगवान गणेश को महाराष्ट्र में सोसाइटी से निकाला गया है। क्यों? तो बस
एक धर्म विशेष को खुश करना है, तुष्टिकरण की सियासत करनी है। समझाऊंगा, ये पूरी विश्लेषण आपके बीच में होगी। जारी है राष्ट्रवाद। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की शैतानी हरकत सामने आने के बाद सनातन को मानने वाले आग बबूला हैं, और जिस तरह से वहां जिन्नावादी गैंग रेप चैप्टर का पठन पाठन कर रहा है और करा रहा है, उससे पूरी यूनिवर्सिटी फिर सवालों के घेरे में है। सनातनियों की सहिष्णुता का पैमाना अब टूट रहा है। आखिर कब तक उनके धैर्य की परीक्षा जिन्ना जीवी लेते रहेंगे? कब तक हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा? मैं राष्ट्रवादी रोहित पूछता हूं, आखिर कब तक जहरीले नामों को हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या माफी मांग लेने से उनका पाप कम हो जाएगा? कतई नहीं, कतई नहीं। ऐसे लोगों को माफी नहीं दी जा सकती, इन्हें इनके लिए सजा मिलनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। यह कोई पहला मामला भी नहीं है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू देवी देवताओं और सनातन का अपमान किया गया है। एएमयू से लेकर जेएनयू तक इसकी पूरी श्रृंखला है। मैं राष्ट्रवादी रोहित कहता हूं कि अब वक्त आ गया है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली सोच की जड़ पर प्रहार किया जाए। सनातन विरोधी लिबरल गैंग ने अब हदें पार कर दी हैं। वक्त आ गया है कि इस मैली और डर्टी सोच पर बुलडोजर चलाया जाए। सोचिए, अगर ऐसे ही कोई बात किसी प्रोफेसर ने इस्लाम के बारे में कही होती तो क्या होता? क्या उसकी गर्दन सलामत होती? तो क्या सहिष्णुता का ठेका सिर्फ और सिर्फ सनातनियों का है? एएमयू से जेएनयू तक शैतान गैंग एक्टिव। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शैतानी सोच पर करो आखिरी प्रहार। देश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी एएमयू बहुत पहले से ही सनातन विरोधियों का अड्डा बन चुकी है। यहां जिन्ना गैंग के शैतान जब भी मौका मिलता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से बाज नहीं आते। चैत्र नवरात्र में एक बार फिर एएमयू के प्रोफेसर ने वो पाप किया है जिसे पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। हर कोने से आवाज उठ रही है कि हमारे शिक्षा के केंद्रों में घुस चुके सनातन विरोधी शैतानों पर फाइनल प्रहार जरूरी है। केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस जितेंद्र कुमार ने ऐसा वक्तव्य दिया है कि हिंदुओं के देवी देवता सब बलात्कारी थे। अब सवाल उठता है कि एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के दिमाग में रेप चैप्टर की बात कहां से आई? क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान साजिश के तहत किया गया? क्या एएमयू के जिन्ना गैंग को खुश करने के लिए ऐसा किया गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एएमयू से लेकर जेएनयू तक एक सेट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां लिबरल गैंग अपने बौद्धिक विलास के नाम पर सनातन के खिलाफ अक्सर शैतानी साजिश को अंजाम देता रहता है। लेकिन एएमयू के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में झूठा डर्टी चैप्टर खोलकर जो किया है उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हिंदूवादी संगठन अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर अब डायनामाइट के साथ चले, ताकि दोबारा ऐसा पाठ करना तो दूर, ऐसी गंदी सोच भी दिमाग में नहीं आए। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि आपका बुलडोजर हर जगह चलता है, आखिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? और एक बार सड़कों पर चर्चा जब आ जाएगी तो जनता फिर इन लोगों से सवाल अपने आप पूछेगी, जनता इनको ठीक कर। याद कीजिए, जिस जेएनयू को सरकार फंडिंग करती रहती है वहां पर सरकारी पैसे से पलने और बढ़ने वाला लिबरल गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी कैसी हरकतें करता रहता है। जेएनयू में हर साल सनातन विरोधी गैंग दशहरा के दिन महिषासुर दिवस मनाता है। उसके पीछे उसकी साजिश मां दुर्गा के अपमान की रहती है, ताकि सनातनियों का दिल दुखाया जा सके।
जेएनयू के शैतानों की हरकत का मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत संसद में भी उठ चुका है। महिषासुर, अ ब्रेव सेल्फ रिस्पेक्टिंग लीडर, ट्रिक्ड इनटू मैरिज बाय आर्यंस। आफ्टर दे फेल टू डिफीट हिम, दे हायर अ सेक्स वर्कर कॉल्ड दुर्गा। एम्स में भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान राम और मां सीता का भद्दा मजाक उड़ाया जा चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस उर्दू ऊंट ने इसका मंचन किया था उसकी फंडिंग कांग्रेस ने की थी। तो आप समझ सकते हैं कि सनातन विरोधी गैंग की जड़ें लाल लंगोटधारी लंपट गैंग और कांग्रेस तक फैली हुई है। देश की जनता ने इन्हें सत्ता से मार भगाया है, लेकिन उनके उकसावे पर चलने वाले शैतान अभी भी अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातन के खिलाफ बात करने वालों पर फैसला अब आपको करना है। मैं राष्ट्रवाद में आपको अगली खबर के साथ जोड़ा। महाराष्ट्र की खबर है, जहां पर लाउडस्पीकर पर सियासी लड़ाई और तूफानी हो गई है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बाद बीजेपी भी लाउडस्पीकर लेकर मैदान में उतर गई है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लाउडस्पीकर चाहता है, उसे बीजेपी फ्री में देगी। मैं राष्ट्रवादी रोहित आपको बताता हूं बीजेपी की कांटे से कांटा निकालने वाली सियासत के बारे में, कैसे बीजेपी ने लाउडस्पीकर के मामले में अब महाराष्ट्र में बड़ा सियासी गेम खेल दिया है। दरअसल राज ठाकरे और बीजेपी के गेम प्लान में बेचारे बनकर रह गए हैं उद्धव ठाकरे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो महाराष्ट्र अघाड़ी के साथ अपनी सरकार चलाएं या फिर अपने हिंदू वोट बैंक को बचाएं। आज मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र के महाभारत में इस बार लाउडस्पीकर की लड़ाई बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाली है, और जिस तरह यूपी में 80-20 का मुद्दा बना था, उसी तरह से महाराष्ट्र में अली वर्सेस बजरंग बली की लड़ाई बड़ा मुद्दा बन चुका है। लाउडस्पीकर पर लड़ाई, बीजेपी एमएनएस की शिवसेना पर चढ़ाई। महाराष्ट्र में मिशन भगवा, शिवसेना होगी हवा। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब लाउडस्पीकर पर शुरू हो चुकी है। जिसके पास ज्यादा लाउडस्पीकर होंगे, उसी के पास ज्यादा ताकत होगी। इसी ताकत को और बढ़ाने के लिए अब बीजेपी ने लाउडस्पीकर मुफ्त में बांटने का फैसला किया है। बीजेपी के अरबपति नेता मोहित कंबोज ने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने के लिए लाउडस्पीकर पर लड़ाई को धुआंधार बना दिया है। राज ठाकरे ने जिसकी शुरुआत की थी, मोहित कंबोज ने उसे एक्सटेंशन दे दिया है। मोहित कंबोज ने ट्वीट कर लिखा है कि मंदिर में लगाने के लिए जिसको लाउडस्पीकर चाहिए वो मुफ्त में हमसे मांग सकता है। सभी हिंदू की एक आवाज होनी चाहिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। मोहित कंबोज के फ्री लाउडस्पीकर देने के ऐलान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और वो अपने अपने इलाके के लिए एक एक नहीं बल्कि चार चार लाउडस्पीकर मांग रहे हैं। राज ठाकरे लाउड, उद्धव बेचैन। महाराष्ट्र के महाभारत में जैसे जैसे राज ठाकरे अजान विवाद पर लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके कार्यकर्ता गली मोहल्लों में स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उससे उद्धव ठाकरे अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हैं। उन्हें डर सता रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट की जो छवि उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, कहीं राज ठाकरे उसके असली वारिस न बन जाएं। क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी मजबूरियों के चलते वो सेना के हिंदुत्ववादी एजेंडे से समझौता करने को मजबूर हैं। ऐसे में राज ठाकरे और बीजेपी को भरपूर मौका मिल रहा है कि वो उद्धव की पुरानी हिंदुत्ववादी छवि को तोड़ें
और महाराष्ट्र में भगवा के नए झंडा बरदार बनकर उभरे। लाउड स्पीकर का मुद्दा ये माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत कहा हुआ मुद्दा है, ये कोई किसी केवल पार्टी ने कहा है, किसी ने केवल इसके ऊपर कोई आंदोलन किया, यहाँ तक ये सीमित नहीं है। अगर ऐसा हुआ और राज ठाकरे ने सेना के 10% वोट बैंक में भी डेंट मार दी तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए फाइट बहुत टाइट हो सकती है, जहां कई साल से उनका राज चल रहा है। अगर बीएमसी में शिवसेना को झटका लगा तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए बीजेपी की भारी भरकम मशीनरी के सामने खड़ा होना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे लाउडस्पीकर पर अजान का विवाद अब एक नया रंग लेता जा रहा है और महाराष्ट्र में हिंदूवादी नेताओं को हनुमान चालीसा बजाने पर जेल भेजा जा रहा है, लेकिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इससे महाराष्ट्र के हिंदूवादी संगठन गुस्से में है और ये चिंगारी कभी भी ज्वाला बनकर फूट सकती है। मैं राष्ट्रवादी रोहित, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से सवाल पूछता हूं कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर अलग अलग बर्ताव क्यों हो रहा है? अगर उद्धव जी, आपकी पुलिस हिंदूवादी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है तो फिर जिहादी गैंग को क्यों खुली छूट दी जा रही है? आज मैं राष्ट्रवादी रोहित बताता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सपने को कैसे सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे गिरवी रख चुके हैं। पुणे में एक सोसाइटी से गणेश भगवान की मूर्ति को सिर्फ इसलिए पुलिस हटवाती है, पुलिस को बुलवाकर हटवा दिया जाता है, क्योंकि मुसलमानों को मूर्ति रखने से एतराज था। मैं राष्ट्रवादी रोहित आज उद्धव ठाकरे से सवाल पूछता हूं कि क्या महाराष्ट्र को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? उद्धव के राज में राजा का अपमान, गणेश भगवान को सोसाइटी से निकाला, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अगर आज जिंदा होते तो उद्धव को देखकर उनके आंसू नहीं बंद होते, क्योंकि जिस महाराष्ट्र में उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की थी, उसी महाराष्ट्र को उद्धव ने सत्ता के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने गिरवी रख दिया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो पुणे की यह तस्वीर देख लीजिए। यह वीडियो पुणे के कोंडवा इलाके का है। यहां एक सोसाइटी में राजा गणेश आन बान और शान से विराजते थे। काबिलेगौर बात यह है कि इस सोसाइटी में 80% आबादी हिंदुओं की है और 20% मुसलमानों की, लेकिन कट्टरपंथियों को गणेश भगवान की मूर्ति से परेशानी थी। उद्धव ने कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर करते हुए पुलिस भेजी और भगवान गणेश को सोसाइटी से उनकी पुलिस उठाकर ले गई। आपको बता दें कि पुणे का कोंडवा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ कट्टरपंथी जमातें हिंदुओं को परेशान करती रहती हैं। अब तो उन्हें उद्धव सरकार का साथ मिल गया है, लिहाजा भगवान गणेश के अपमान से वो भी बाज नहीं आए। महाराष्ट्र में अली वर्सेस बजरंगबली, उद्धव ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेके। उद्धव ने किस तरह सत्ता के लालच में कट्टरपंथी जमात के आगे घुटने टेके हैं, इसका एक और उदाहरण समझ लीजिए। मुंबई में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दरअसल उद्धव ठाकरे अजान और हनुमान चालीसा के दो पाठों के बीच अच्छे से पिस रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मुद्दा उनकी ताबूत की कील बन जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अजान विवाद से कर्नाटक में एक मुद्दे ने भूचाल ला दिया है, हिजाब के मुद्दे में। आपको याद होगा बीते 8 फरवरी को कर्नाटक के मांड्या में पीएसी कॉलेज की मुस्कान नाम की एक छात्रा ने भगवा ब्रिगेड के जय श्री राम के जयकारे के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। तब लेफ्ट लिबरल गैंग ने मुस्कान नाम की इस लड़की को सोशल मीडिया पर झांसी की रानी बना दिया था। मुझे भी तब यही लगा कि चलो मुस्कान अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आज मुझे पता चला कि यह तो टूल किट जैसा ही मामला है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुस्कान की तारीफ अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहरी ने दिल खोलकर की है।
जवारी ने मुस्कान को अपनी बहन और भारत की महान महिला बताया है, तो मामला ये है, वो नहीं जिसे अब तक आप और हम समझ रहे थे। एक बात मेरी समझ में आ गई कि जब इस देश का लेफ्ट लिबरल गैंग किसी भी मुद्दे को ज्यादा तूल दे, सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को फर्जी महानायक बनाने की कोशिश करे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सब बेखुदी में नहीं होता, बल्कि इसके पीछे देश विरोधी ताकतें होती है। इसके लिए बाकायदा टूल किट तैयार किया जाता है। खुल गया मुस्कान का टूल किट खेल, आतंक अराजक और हिंदू विरोध का ट्रेड। कर्नाटक के मांड्या जिले के PES कॉलेज परिसर में 8 फरवरी को आई इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवंडर मचा दिया था। टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और मोमबत्ती गैंग ने तब मुस्कान को शेरनी, झांसी की रानी, हिम्मत वाली और न जाने किन किन खिताबों से नवाजा था। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अयमान अल जवारी ने हिंदुस्तान के लेफ्ट लिबरल गैंग के सुर में सुर मिलाते हुए मुस्कान की दिल खोल कर तारीफ की है। जवारी ने मुस्कान को अपनी बहन बता दिया है। पहले आप सुनिए कि जवारी ने मुस्कान की तारीफ कैसे की और फिर हम करेंगे पूरे मामले की ओपन हार्ट सर्जरी। मुझे वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए मुस्कान के बारे में पता चला और इस बहन ने तकबीर की आवाज बुलंद कर मेरा दिल जीत लिया है, इसीलिए मैं अपनी बहन की तारीफ में कविता पढ़ रहा हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 साल से गायब रहा अल जवाहरी अचानक से वीडियो के जरिए नमूदार हुआ है और 2 साल बाद जारी अपने पहले वीडियो में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ जमकर आग उगली है। जवारी खास तौर पर कर्नाटक की हिजाब गर्ल मुस्कान की तारीफ के लिए ही 9 मिनट का वीडियो जारी कर चुका है। इस वीडियो के साथ उसने एक पोस्टर भी टैग किया है जिस पर मुस्कान के लिए लिखा है भारत की महान महिला। आप समझ सकते हैं कि जिन मामलों में अभिव्यक्ति की आजादी की वामपंथी डफली बजाई जाती है उसकी जड़ें कहां कहां फैली होती है। मुस्कान की तारीफ में जवाहरी के कसीदे पढ़ने के बाद मुस्कान के घर वालों की पैर तले की जमीन खिसक चुकी है। मुस्कान के पिता सफाई पर सफाई दे रहे हैं। सर नोड़े और यारो अंता नंगे गुतिला। मुझे नहीं पता कि मुस्कान की तारीफ करने वाले कौन लोग हैं। मुझे मीडिया के जरिए इसके बारे में जानकारी मिली। वो अरबी में बोल रहा है, मेरी बेटी की तारीफ कर रहा है। वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो हमारे बीच झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी को कर्नाटक के मांड्या कॉलेज में जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। तब पहली नजर में पूरा मामला अचानक हुई घटना जैसा लग रहा था, लेकिन अब जबकि अलकायदा के सरगना ने मुस्कान की तारीफ कर दी तो कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि मुस्कान जब कॉलेज में अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी तब 2 प्रोफेशनल कैमरामैन पहले से ही उसे शूट कर रहे थे। इन दोनों कैमरामैन को पहले से ही ये कैसे पता था कि आगे ये सब होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पूरी पटकथा टूल किट के जरिए तैयार की गई थी और 2 कैमरामैन को इसीलिए काम पर लगाया गया था? दूसरी बात, मुस्कान जय श्री राम का नारा लगाने वाले 100 लोगों की भीड़ में बेखौफ होकर घुसी थी। कहीं ऐसा तो नहीं इस बेखौफियत के पीछे भी पहले से ही तैयार की गई प्लानिंग थी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो चंद रुपयों के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये राष्ट्रवाद अगर मेरा है तो ये राष्ट्रवाद आपका भी है। ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी और याद दिला दूं रात के 8:54 पर हर रोज मेरे साथ राष्ट्रवाद।